छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बता दें कि उदयपुर के चिंतन शिविर में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उसके अनुसार हमको आगे काम करना है। जो दिशा निर्देश मिला है पूरे प्रदेश में उस निर्देश का पालन करना है। 50-50 फॉर्मूले में सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ तो अधिकांश विधायक ही अंडर 50 है। बता दें कि जेसीसीजे द्वारा राज्यसभा नामांकन भरने पर कहा कि मैं हूँ बताने के लिए नामांकन भरा है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम ने कहा कि उनकी उपलब्धियाँ क्या है। नोटबंदी, जीएसटी उनका उपलब्धि, लॉकडाउन, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल में बेतहाशा मूल्य, ये उनकी उपलब्धि है। बताना चाहिए सभी को। उदयपुर में जो नौ चिंतन शिविर हुआ 3 दिवसीय, उसी के वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए उसके अनुसार हम लोगों को काम आगे करना है। जो फैसले वहाँ लिए गए, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, चाहे वो कृषि का प्रस्ताव हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का प्रस्ताव हो, सारे प्रस्ताव वहाँ हुए हैं, उसके कापी का वितरण भी किया गया और वहाँ जो निर्देश दिए गए, फैसले लिए गए हैं उसके पालन हम लोगों को प्रत्येक प्रदेश में करना है। तो आज देश के सभी राज्यों में 2 दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन, और इसमें अब आने वाले जो सेकंड हाफ है और कल है, इसमें फिर तय होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को उदयपुर संकल्प, जो संकल्प लिया गया उदयपुर में, उसको हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना है।